कई काम बन रहे हैं। अभी जिस आरोग्य अज्ञान सागर आरोग्य भवन को लेकर के चर्चाएं चल रही थी, जहां हमारे इंद्रसेन जी साहब, भाई सुनील जी, जिन्होंने रात दिन मेहनत की है और पूज्य गुरुदेव की जो पगिया है उस पगिया को इन्होंने सिंचित भी किया है, पर अब जैसे वो वृद्धा तीर्थ यात्रा के लिए जा रही थी तो कह गई थी कि बेटा इसका ध्यान रखना, तो हमारे भाई इंद्रसेन जी साहब भी यही कह रहे हैं कि हम संरक्षक के रूप में आप सबके ऊपर हैं, पर चूंकि अब हम तन से थोड़े ढीले हो गए हैं, मन हमारा अभी भी मजबूत है और पूज्य गुरुदेव की भाषा में वो अभी 20 और 25 साल के नवयुवक जैसी शक्ति अपने अंदर रखे हुए हैं। जब तक उनके शरीर में शक्ति है वो पूज्य गुरुदेव के सत्य को साकार करने में कहीं भी पीछे नहीं रहेंगे, पर आवश्यकता है एक से एक मिलकर के प्यार हुआ करते हैं। यहाँ पर एक एक भक्ति के अंदर पूज्य गुरुदेव के प्रति इतना समर्पण है, अगर हम लोग भी भाव के माध्यम से पूज्य गुरुदेव के किसी भी कार्य के लिए कहते हैं तो कोई भी व्यक्ति मना नहीं करता। आप मुझे नहीं पता कि आप मना क्यों नहीं करते हैं, पर ऐसा लगता है कि आज भी जिस तरह ज्ञान तीर्थ क्षेत्र के लिए पूरे दिल्ली वालों की टीम, हमारे भाई योगेश जी, सतीश जी, राकेश जी, जेडी भैया और पूरी हमारे परवेश भैया, मैं पवन कुमार जी के जो सुपुत्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, परवेश भैया, पीयूष भैया, वास्तव में इनकी उदारता, भाई वरुण जी आदि आदि पूरे दिल्ली वाले, देखिए मैं पवन जी और परमेश जी और पीयूष भैया पंच कल्याण के लिए मात्र इस परिवार की बात क्या कहूं, जिस जिससे कहा कि भैया आपको इंद्र इंद्राणी बनकर के इस प्रतिष्ठा में बैठना है, किसी ने मना नहीं किया, चाहे वो पुणे से आए हो, चाहे वो बेंगलोर से आए हो, चाहे वो दिल्ली से आए हो, निवाई से आए हो, सभी श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और वास्तव में जो जो भी वहां पर पहुंचे थे किसी को ऐसा नहीं लगा कि पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद हमारे साथ में नहीं रहा है। उभरते हुए जनसैल आपके साथ जिस तरह से ज्ञान तीर्थ क्षेत्र का पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव सभी भक्तों ने मिलकर के अच्छी तरह से संपन्न कराया है, मैं तो यही कहूंगी कि जैसे पूज्य गुरुदेव के स्वप्न को सबने मिलकर के साकार किया है ज्ञान तीर्थ के, हमारे जेके जैन साहब और उनकी पूरी टीम इतना समर्पित होकर के धन का सहयोग तो करती ही है। उनसे भी मैंने एक बार कहा कि भैया आपको मीटिंग में आना है, वो अपना समय निकाल करके आए हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इनकी भी भावनाएं जिस तरह ज्ञान तीर्थ के प्रति समर्पित रही है उसी तरह ज्ञान सागर आरोग्य भवन के प्रति भी समर्पित है। मैंने युवा वर्ग की टीम आज इसलिए ही बुलाई थी कि हमारे ये वृद्ध और प्रौढ़ व्यक्ति, चूंकि हर समय होता है, इन लोगों ने जितनी मेहनत की है तो मैं तो ये चाहूंगी बड़े गांव आप लोग जानते रहते हैं और आज यहाँ पर एक टीम तैयार होनी चाहिए, हमारी अपनी संपदा को हम किस तरह सुरक्षित रख सकते हैं इसके लिए हमें एक टीम बनानी है। और मैं तो ये कहूंगी कि ऋषभ बिहार वाले, बाहुबली इंग्लैंड वाले, सूरजमल बिहार वाले और जितनी भी दिल्ली की बड़ी बड़ी कॉलोनिया आदि है वहां पर जितने भी पूज्य गुरुदेव से जुड़े हुए भक्त हैं कोई कम नहीं है, बस श्रद्धा भक्ति समर्पण को हमें थोड़ा जागरूक करना है, क्योंकि गुरुदेव के जाने के बाद हर व्यक्ति बिखर चुका है। तो मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहती हूँ, गुरुवर की तस्वीर लगाओ मन के पक्ष में, फिर सारे फैसले होंगे आपके पक्ष में, फिर सारे फैसले होंगे आपके पक्ष में। तो निश्चित रूप से हम और आप सभी मिल करके पूज्य गुरुदेव के स्वप्न को अगर साकार नहीं कर पाएंगे तो लगेगा कि कहीं ना कहीं हमारी श्रद्धा भक्ति और समर्पण की भावनाओं में कमी है।
यहाँ पर जितने भी व्यक्ति बैठे हुए हैं, अभी हमारे संजय भैया ने जो कुछ कहा है कि कुछ सदस्यता के रूप में एक फिक्स कर दिया जाए, तो कोई भी व्यक्ति यहाँ पर ऐसा नहीं होगा जो इससे जुड़े नहीं। हमारे भाई मनोज जी, भाई गणेश जी, सीए साहब और भी जितने भी श्रद्धालु बैठे हुए हैं, मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि पूज्य गुरुदेव ने जो इतनी विराट संपदा आप सभी को दी है, आने वाले समय में क्या देखने को मिलेगा? जब तक घट में प्राण है तब तक हम यही चाहेंगे कि पूज्य गुरुदेव की जो संपत्ति है वो हम सब सुरक्षित रख सके। हे भगवान, हमारे जीवन में इतनी ताकत देना कि जो पूज्य गुरुदेव ने हम सभी के बीच में पौधा लगाया हुआ है उसको हम सिंचित कर सके और उसको पुष्पित पल्लवित कर सके। इसके लिए मुझे लगता है आप सभी भी सहमत होंगे। यहाँ पर जितने भी बैठे हुए हैं श्रद्धालु, आप सबकी क्या भावनाएं हैं, एक मत में आप लोग इस बात को रखें, क्योंकि ये तो प्राथमिक बैठक हुई है और हमारे भाई सुनील जी आदि की जो भावनाएं हैं वो कहीं कोई उस रूप से नहीं है, पर इनको भी अब सहयोग अपेक्षित है। तो आप लोग अपना समय दान करने के लिए भी अपना हाथ उठा सकते हैं, मानस बना सकते हैं कि वाकई में हमें अगर पूज्य गुरुदेव के नाम से ये जो हॉस्पिटल चलानी है इसके लिए सभी तरह की आवश्यकता रहेगी, धन की भी आवश्यकता है, मन की भी आवश्यकता है, और बिना धन के तो आज कुछ काम होते ही नहीं है। तो जैसे हमने सहज में कहा, हमारे परवेश भैया ने इतने जल्दी कह दिया कि दीदी ठीक है, एक मशीन हमारी तरफ से रहेगी और एक्सरे मशीन के लिए उन्होंने स्वीकृति दी है। हमारे मुकेश कोलकाता आज यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं, उन्होंने भी अपनी तरफ से एक मशीन बोली है। संजय जी नावले वाले मुजफ्फरनगर, उन्होंने भी भले ही अभी मतलब मशीन फिक्स नहीं की है, पर उन्होंने भी लिस्ट अपने पास मंगाई थी और बोले कि मैं भी एक कर दूंगा। और भी हमारे बीच में भाई अनिल जी हौजरी, जिस समय मीटिंग में 1 मई की हुई थी या और कोई दूसरी मीटिंग हुई थी, उस समय इनके परिवार ने भी एक मशीन देने के लिए बोला है। तो मुझे लगता है कि पूज्य गुरुदेव जन जन के प्रति जो सेवा की भावनाएं रखते थे, उस सेवा के क्षेत्र में हमें पीछे नहीं रहना है। अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो औषधि दान का बहुत महत्व आगम ग्रंथों में कहा गया है। अभी एक दिन पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज श्री कह रहे थे कि अगर आप किसी भी तरह से पैसा नहीं दे सकते हो तो एक बेसहारे को सहारा दे देना, किसी प्यासे को पानी पिला देना, भूखे को भोजन करा देना, तो वो भी एक दान की श्रेणी में आता है। हमारी जितनी शक्ति है हम अपनी शक्ति को छिपाए नहीं, और जो जितना जिस रूप से पूज्य गुरुदेव के सत्य को साकार करने में सहयोग कर सकता है, आज आप अपनी भावनाएं यहाँ व्यक्त कर सकते हैं और एक मजबूत टीम बना करके इस कार्य को आगे करें, यही हम सबकी भावना है। और फिर आपस में जो भी मीटिंग में तय हो, पर पूज्य गुरुदेव की संपत्ति को हम सब सुरक्षित रख सके, इसके लिए हर किसी को साथ देना होगा, हर तरह का सहयोग सबको करना होगा। क्यों भैया दीदी के उद्घोष के बाद में चाहूंगा कि लोगों ने अब तक स्वीकृति की है, पवन जी, परवेश जी, मुकेश जी कोलता, श्री बकी चंद जी, श्री संजय जी जैन भिजीवाले, श्री संजय जी जैन मुजफ्फरनगर, रविंद्र जी जैन फोमवाले और सबुना परिवार। तो अब मैं चाहूंगा कि बाकी लोग जो घोषणा करना चाहते हैं जी के जिन सभा को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि वह आपके समक्ष दो शब्द कहना चाहते हैं।